क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है, थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, तीन पाइप है ए प्लस बी प्लस सी, वो किसी टैंक को कितनी देर में भर सकते हैं, 6 घंटे में, आफ्टर टू वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स। देखिए तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं, मैंने टोटल वर्क मान लिया 6 यूनिट, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इन्होंने कितनी देर तक काम किया साथ में, 2 घंटे तक, तो 1 की एफिशिएंसी से इन्होंने 2 घंटे तक काम किया, कितना काम कर लिया हुआ, 2 यूनिट काम हो चुका है, टोटल काम है 6 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 4 यूनिट, 4 यूनिट काम बचा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सी को क्लोज कर दिया, सी को क्लोज कर दिया, तो ए और बी फिल रिमेनिंग पार्ट इन 6 7 आवर्स। ठीक है, तो 7 आवर्स में भरा, तो ये क्या आ गए अपने पास, ये आ गए ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब अपन बोल रहा है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय अलोन टू फिल सी, सी कितनी देर में भरेगा, तो ये एफिशिएंसी का आ गई अपने पास ए प्लस बी की, कितनी, 4/7। अब अपन को पता है ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी मिला के बने, और ए प्लस बी के अपन को पता चलेगा कितनी है, 4/7। ठीक है, तो इसकी नहीं निकाल सकते कि अपन सी की, सी की बिल्कुल निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, सी की आ जाएगी 3/7, ये 4/7 है, सी की आ जाएगी कितनी, 3/7। ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ गई 3/7, टोटल वर्क कितना है, 6 यूनिट, 6 यूनिट, 3/7 की एफिशिएंसी करना है, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 3 से ये 6 कट जाएगा, कितने टाइम, 2 साइन, और यहाँ से आ जाएगा 7 × 2, जो कि कितना होता है, 14, तो उनको कितना टाइम लग जाएगा, 14 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है,